नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं इंडिया के लिए आ रही बुरी खबर की। ये सिडनी से आ रही है बुरी खबर। बुरी खबर ये है कि रविंद्र जडेजा जो है उनके अंगूठे में गेंद लग गई थी, आपको ये बात पता है, बल्लेबाजी करने के दौरान। लेकिन अब ये बात सामने निकल कर आ रही है कि नितिन पटेल, टीम के डॉक्टर, सब लोगों ने देख लिया है, ड्रेसिंग रूम के अंदर ही जांच परख कर ली, लेकिन चीज कहीं से भी नॉर्मल होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसीलिए रविंद्र जडेजा को उनका जंपर पहनाया गया और उसी के साथ उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है, यानी स्कैन्स होंगे, फ्रैक्चर का पता लगाया जाएगा कि क्या फ्रैक्चर तो नहीं है या किसी तरह की और प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये भी अब साफ हो चुका है कि रविंद्र जडेजा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब बिल्कुल आप समझिए कि ना के बराबर चांसेस हैं कि वो इस टेस्ट मैच में आपको दोबारा खेलते हुए दिखेंगे। चौथे टेस्ट मैच पर अभी फैसला आएगा, उसको लेकर के आज शाम तक बीसीसीआई की रिलीज आ जाएगी, शायद अगर टेस्ट पूरे हो जाएं। अभी जो बीसीसीआई ने अपनी रिलीज जारी की है उसमें कहा गया है कि रविंद्र जडेजा सफर्ड ब्लो टू हिज लेफ्ट थंब, मतलब कि जो उनका बॉलिंग थंब है, बैटिंग करते हुए तो ऑब्वियसली जो ऑपोजिट हैंड होता है वो आगे होता है जब आप बल्ला पकड़ते हैं, लेकिन जब आप गेंदबाजी करते हैं तो आप उसी हाथ से करते हैं, रविंद्र जडेजा के लिए बात कर रहा हूं, और थ्रो भी वो उसी हाथ से करते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड का उनका अंगूठा है वो उस पर ये अच्छी खासी चोट लग गई है, मतलब वो फ्रैक्चर भी हो सकता है। जैसा आपको याद होगा शिखर धवन के साथ हुआ था वर्ल्ड कप 2019 में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही था जब उनके अंगूठे पे बॉल लग गई थी, फ्रैक्चर हो गया था अंगूठा, वो उसी फ्रैक्चर्ड अंगूठे के साथ खेले थे लेकिन उसके बाद बाहर होना पड़ा था। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बुरी खबर है भारतीय टीम के लिए, इसलिए क्योंकि यही रविंद्र जडेजा है, नाबाद रहे पहली इनिंग्स की पारी में, यही रविंद्र जडेजा है जिन्होंने शानदार 4 विकेट लिए, 1 रनआउट को भी अगर आप जोड़ लीजिए तो 5 विकेट उनके हो जाते हैं, और उनका इस वक्त पे बाहर होना बहुत बुरी खबर होगी टीम इंडिया के लिए। इसको लेकर के जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे, साथ ही पंत को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है, अगले वीडियो में उसका जिक्र।